चुनावी रण में रथ पर सवार योद्धाओं के मध्य तर्कश से तीर पर तीर दागे जा रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो सियासी तीर सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसके पर्चा बांटे जा रहे हैं, वो है चिलमजीवी तीर। यकीन मानिए, खेल सियासी है, लेकिन यहाँ दाव तीरंदाजी का चल रहा है। सबसे पहले शब्दों की सियासी मर्यादा को भेदने वाले चिलमजीवी तीर का चुनावी चक्कर समझिए। सियासी रथ पर सवार भूतपूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तर्कश से निकले नए नए बाण सियासी शुचिता और मर्यादा में छेद कर रहे हैं। शब्दभेदी बाण से निजी चोट कर वोट पाने की लालसा ऐसी कि सियासी युद्ध ने संत समाज को आक्रोशित कर दिया। अखिलेश यादव ने चिलमजीवी वाला चुनावी तीर योगी की तरफ फिर दागा। निशाना योगी पर था, लेकिन चोट साधु संतों के सम्मान को लग गई। अब साधु पूछ रहे हैं कि क्या भगवा वस्त्र पहनने वाले योगी को चिलमजीवी कहना संत समाज का अपमान माना जाना चाहिए? जिस प्रकार अखिलेश यादव जी ने कल सनातन हिंदू धर्म भगवाधारी सन्यासियों के ऊपर प्रहार किया, यह उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है कि ये अव्वल किस दर्जे तक का हिंदू विरोधी व्यक्ति है। चिलमजीवी, एक रंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके पूर्व कांग्रेस के नेताओं ने आईएसआई, बोको हरम जैसे शब्दों का प्रयोग भी इन लोगों ने किए थे। बात चिलमजीवी वाले तंज से शुरू हुई और अब भगवाधारियों के अपमान तक पहुंच गई। वैसे भी सियासत में तंज और कटाक्ष की सीमा रेखा होती है, लेकिन जब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा टूटती है तो नए नए शब्दों की शक्ल में नए नए सियासी तीर इजाद होते हैं। वो हम बदहाल है बाबा मुख्यमंत्री जी की वजह से, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं है, उन्हें फुर्सत ही नहीं है धुआं उड़ाने में। माना कि सियासतदान विकास को छोड़ ओछे शब्दों के प्रयोग को अपना पराक्रम मानते हैं, लेकिन सिर्फ योगी और अखिलेश के बीच चले तीरों की बात करें तो वो अजब गजब हैं। इधर टोटी चोर वाला बाण, उधर रोजगार चोर वाला बाण, इधर अब्बा जान वाला बाण, उधर चिलमजीवी वाला बाण, इधर जिन्नावादी बाण, उधर भोगी वाला बाण। चिलम बोलना अब राष्ट्रीय गौरव, चिलम पीना क्या राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है क्या? और वैसे भी हम, आप तो उत्तर प्रदेश से आती हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आते हूँ, हमारे वहां तो पहले भी बोला जाता है कि जब कोई लंबी लंबी फेंकने लगता है तो हम बोलते हैं क्या चिलम पी के आए हो क्या? तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी का नाम लेकर नहीं बोला, तो किसी को दुख क्यों हो रहा है? प्रदेश की जनता इतनी ना समझ नहीं है कि एक रंग का मतलब क्या है, और जो आप चिलमजीवी की बात कह रहे हैं कि वो चिलम खा के आए, ऐसा नहीं बोला जाता। बोला जाता भांग खा के आए हो क्या? अगर कोई ऐसे बोलने लगे तो आपको लगे कि कोई अन्यत्र बोला जा रहा है। तू तू मैं का ऐसा वार पलटवार कि शर्म आ जाए, लेकिन यहाँ तो शर्म किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं। अभी चुनाव तो दूर है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि गरिमा गिराने वाले और कितने नए शब्द उत्तर प्रदेश की चुनावी डिक्शनरी में अभी और शामिल होंगे। वैसे अब्बा जान बनाम चिलमजीवी आज चर्चा में है। ये चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। अब्बा जान कहने वाले हरासन हजम कर जाते थे। कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। चुनावी हार और जीत वाली सियासी जंग में राजनीति कितना और गिरेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन गले में जीत का हार पहनने की बेकरारी ऐसी कि नेतागण कुछ भी कहने को तैयार है। और यूपी की जनता सिर्फ यही कह रही है कि नेतागण कृपया ध्यान दें, आप भविष्य की पीढ़ी को राह दिखाने वाले पुरोधा हैं।